प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी अभियान, जिसमें पीएम ने आज भरी है तेजस में उड़ान। तेजस विमान जो कि भारत का युद्धक विमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस विमान में उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फाइटर प्लेन तेजस में उड़ान भरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। पीएम ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में पहुंच करके तेजस विमान में उड़ान भरी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज नजर आई है और ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं भारत का वो आत्मविश्वास है जो कि पिछले कुछ सालों में लगातार सामने आ रहा है। अब भारत सिर्फ हथियारों का आयातक ही नहीं, निर्यातक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस विमान में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस विमान जो कि पिछले कुछ समय में पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। हल्का लड़ाकू विमान भारत में स्वदेशी तकनीक से इसे तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया था और यह साफ किया था कि भारत सिर्फ हथियारों का आयातक ही नहीं रहेगा बल्कि भारत हथियारों का निर्यातक भी बनेगा और LCA तेजस की डिमांड पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में देखने को मिल रही है। बेहतरीन है यह विमान, इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है। अपने समकक्ष विमानों के मुकाबले ये काफी किफायती भी पड़ता है और इसकी कुशलता में किसी को भी कोई शक नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस विमान पर सवार हो रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। साफ सी बात है कि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कंपनियों ने और भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी अब आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और देखा जा सकता है कि एक कुशल पायलट की तरह जो भी प्रोटोकॉल होता है उन्होंने उसका पालन किया। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेजस पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हवा से बातें करता हुआ यह विमान नजर आया और सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर एक एक पल की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं जो आपको हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। बादलों के बीच उड़ान भरता हुआ तेजस विमान और तेजस विमान पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत और जिस तरह से भारत पूरी दुनिया के साथ आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है उसकी एक बड़ी मिसाल है ये तस्वीरें। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, तस्वीरें सामने आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पीएम बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आए हैं इस विमान में उड़ान भरते वक्त और ये कॉन्फिडेंस आत्मनिर्भर भारत का है जो कि पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। चंदन, ये बात प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी कहा, उनके जो ट्वीट से संदेश जा रहा है वो सिर्फ यही जा रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय टेक्नीशियंस और भारतीय इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया ये फाइटर जेट इतना सुरक्षित और इतना आरामदेह है कि प्रधानमंत्री को उसमें सॉर्टी करने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आई। और सॉर्टी के बाद उन्होंने कहा कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आत्मविश्वास इस बात का कि भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अब इतना आगे निकल चुका है कि उसके प्रोडक्ट्स विश्व स्तर के हैं और उन प्रोडक्ट्स पर किसी को भी भरोसा हो सकता है। दरअसल जब आप अपने प्रोडक्ट पर खुद भरोसा करते हैं तो दुनिया उस पर भरोसा करने लगती है। भारत तेजस को एक वैश्विक ब्रांड के तौर पर इस्टैब्लिश करना चाहता है और उसके लिए प्रधानमंत्री की ये सॉर्टी बहुत ही बड़ा कदम। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो सॉर्टी की है तेजस विमान में ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। पूरी दुनिया को यह संदेश दिया गया है कि जब भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान में सफर कर रहा है तो इस विमान को बेखटके जो दुनिया के देश हैं जिनके लिए यह काफी किफायती भी होगा और काफी कुशल विमान भी होगा, ये
और इसकी डिमांड भी जिस तरह से बढ़ रही है। अब कृष्ण मोहन, अगर बात की जाए तो हमेशा तुलना ये होती है कि 2014 के बाद क्या बदला है, क्योंकि हमारी जो संस्थाएं हैं वो तो पहले भी उतनी ही मजबूत थी, उतनी ही एफिशिएंट रही होंगी, लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से राजनीतिक नेतृत्व ने उनमें भरोसा दिखाया है, मेक इन इंडिया की जो बात कही गई है उससे काफी कुछ बदला है। वही सबसे महत्वपूर्ण बात है चंदन, संस्थाएं पहले भी थी, पहले भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड था, पहले भी दूसरी संस्थाएं थी, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना रहा है, हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है भारत दशकों तक, जबकि संस्थान तो यहाँ पर हमेशा से थी। लेकिन 2014 के बाद जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक मीटिंग चलाई गई उससे फर्क पड़ा है। रक्षा मंत्रालय ने नेगेटिव लिस्ट निकाली, नेगेटिव लिस्ट मतलब उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट जिनको अब बाहर नहीं खरीद, बाहर से नहीं मंगाया जाएगा, उनको देश में ही जो डिफेंस इंडस्ट्री है उससे खरीदा जाएगा। उससे जो देश की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको एक नई जान मिली, क्योंकि जब आप अपनी इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, जब अपनी इंडस्ट्री में पैसा लगाने का अर्थ है कि आप उन पर भरोसा कर रहे हैं, और जब आप पैसा लगाते हैं तभी वो रिसर्च और डेवलपमेंट के अपने कामों को पूरा कर सकती है, तभी वो नई असेंबली लाइन लगा सकती है, तभी वो नए साइंटिस्ट नए टेक्नीशियंस को ऐड कर सकते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट आगे बढ़े। इन सारी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। नेगेटिव में इसका बढ़ते बढ़ते हजारों एंकर ऐसे हो गए हैं कि जिनको की देश में ही खरीदा जाएगा, देश के ही निर्माताओं से खरीदा जाएगा। जी भारत धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनको विदेशों को निर्यात कर रहा है। देश में निजी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री, उसमें भी अचानक बहुत जान आ गई। कुछ सालों पहले तक जब भी टैक्स को लगती थी, डिफेंस लगती थी, साल में एक बार होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, तो उसमें भारतीय उत्पाद बहुत कम रहते हैं, गिने चुने रहते हैं। बिल्कुल कृष्ण मोहन, आपने काफी मार्के की बात कही कि जो सरकारी जो एजेंसियां संस्थाएं हैं इसके साथ साथ जो निजी डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी जो बूस्ट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर के भारत के रक्षा क्षेत्र को काफी मजबूती दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसमें तेजस का सफर करने के बाद, तेजस में उड़ान भरने के बाद, ट्विटर पर भी, माफ कीजिएगा, ट्विटर जो कि अब एक्स हो चुका है, उस पर भी लिखा कि आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो पीएम ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि तेजस की जो ये उड़ान है ये गर्व से भरने वाली है और खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, सकारात्मक कदम है। एक बार फिर से आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस में उड़ान भरते हुए नजर आए हैं। तो ताकतवर तेजस जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफर किया है, वीडियो भी सामने आया है जिसमें पीएम कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ तेजस पर उड़ान भरने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं और उतरने के बाद भी उतने ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तेजस विमान जो कि हल्का लड़ाकू विमान है और अपनी कार्यकुशलता के लिए पूरी दुनिया में लोहा मनवा रहा है, इसकी डिमांड कई देशों की ओर से आ चुकी है। तेजस विमान हल्की श्रेणी का लड़ाकू विमान, आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर पेश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक्स पर भी यह जानकारी दी कि इस तेजस विमान में उड़ान भरकर गर्व महसूस कर रहा हूं। एचएएल की ओर से यह तैयार किया गया है विमान। कृष्ण मोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, अगर बात की जाए स्वदेशी तकनीक के जरिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो न सिर्फ हमारी जो है मारक क्षमता बढ़ती है, हमारी जो युद्धक क्षमता है वो बढ़ती है, बल्कि इसके साथ साथ ये काफी किफायती भी होता है और इससे आर्थिक तौर पर भी काफी फायदा मिलता है। चंदन, न केवल किफायती होता है बल्कि देश की इंडस्ट्री आगे बढ़ती है, देश के रोजगार आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हथियारों का जो मामला होता है वो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पर आधारित होता है। अगर आपको जो देश हथियार सप्लाई कर रहा है, कल को अगर किसी वक्त आप उसके राजनीतिक नजरिए से या उसके राजनीतिक सर्कल से दूर जा रहे हैं तो वो कभी भी आपको स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर सकता है, वो कभी भी आपको मेंटेनेंस को मना कर चुका है और भारत के साथ ऐसी स्थितियां आ चुकी है। एक जमाना था जब भारत पूरी तौर पर सोवियत संघ पर निर्भर था, अमेरिका से बहुत सारी चीजों के बारे में बात चल रही थी और अमेरिका ने मना कर दिया था। अमेरिका के साथ कई बार ऐसी चीजें हो चुकी है, दुनिया के कई देशों के साथ ऐसा हो चुका है कि जिस वक्त आपको हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत है उसी वक्त उसने स्पेयर पार्ट्स देने बंद कर दिया या उसके एमिशन देना बंद कर दिया, इस तरह की चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भी हथियार मिलता है
सीधे सीधे राजनीतिक पॉलिटिकल जो लाइनिंग है उसके हिसाब से मिलता है। अगर आप अपने हथियार खुद बनाते हैं जी, तो न केवल देश की प्रगति होती है, आपका कीमती विदेशी मुद्रा भंडार, क्योंकि हथियारों का सौदा बहुत महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगे सौदे होते हैं, बहुत बिग टिकट डील होती है, ये ऐसे विदेशी मुद्रा की बचत होती है, अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश का एक इंडस्ट्रियल बेस तैयार होता है, बिल्कुल एक औद्योगिक तैयार होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। जी, और कृष्णमोहन, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि भारत का जो निजी डिफेंस सेक्टर है उसको भी एक बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि एक सामान्य सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस दिशा में कहते रहे हैं कि जितना गवर्नेंस ज्यादा हो, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस वाली बात है, और ऐसे में सरकारी के साथ साथ जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सोने पे सुहागा वाली बात है। चंदन, आप इसको ऐसे समझिए कि जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें तो जैसे फ्लड गेट्स खुल रहे हैं, कितने तरह के प्रोडक्ट्स इसी भारत देश में, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो 155 mm कैलिबर की आर्टिलरी गन बना रही है, यानी जो सबसे भारी तोप भारतीय सेना इस्तेमाल करती है, बोफोर्स जिस कैलिबर का है, बोफोर्स बहुत जाना माना नाम है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि तोपें कितनी बड़ी होती है, और उन तोपों का भी तो अभी नया सौदा आया है, उसमें एक निजी कंपनी को गया है, एपेक्स की बनाई हुई 177 mm की, उसका सौदा निजी कंपनियों को गया जी। ये सारी निजी कंपनियां जो बख्तरबंद वाहन बना रही है, जो टैंक बनाने की तैयारी कर रही है, जो आर्टिलरी गन बना रही है, असॉल्ट राइफल बनाने की कंपनियां तो कितने निकल आई है, और सबसे बड़ी बात ड्रोन के लिए भारतीय सेनाओं और रक्षा मंत्रालय ने सीधे इंडस्ट्री से संपर्क किया, और आज की तारीख में ड्रोन वॉरफेयर में, ड्रोन प्रोडक्शन में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। ये स्थिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिसमें भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। बिल्कुल, भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, और भारत का जो असल पोटेंशियल है, असल जो संभावनाएं हैं, वो अब निखर करके सामने आ रही हैं, और प्रधानमंत्री ने जो आज तेजस में उड़ान भरी है, कहीं ना कहीं ये उसी आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत सबूत है, एक प्रचंड जो है इसका प्रदर्शन कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया कृष्णमोहन पूरी जानकारी के लिए।